पीछे खड़े सभी भाइयों के ये अतिक्रमण कर रहा है उनके अधिकार का। नागरिक इस विकास यात्रा का स्वागत करने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी के माता की मंच में उपस्थित मनालय के चौपाल पर मंडल अध्यक्ष जी मुकेश जी डांगी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय भगत राम जी पाटीदार, भक्ति राम जी यूजर्स भाई बहुमैया, सभी उपस्थित अधिकारीगण कर्मचारीगण, क्या होने वाला है वो भी बताएं। पर आपको समझना पड़ेगा और खासकर इस युवा पीढ़ी को, जो हमारी नई पीढ़ी बैठी है, इनको भी बताया आपने, कभी नहीं कहा होगा आपने कि कांग्रेस की सरकारों में बिजली तो आती नहीं थी, कभी नहीं कहा होगा इन बच्चों को आपने कि कांग्रेस के समय में खेतों में पानते करते फिरते थे, राजधानी आता और उसकी जमीन मिल जाती, कभी नहीं बताया। सिर्फ जमीन पर उधार मिलना शुरू हुआ, उसके पहले तक किसी किसान को लोन नहीं मिलता था। तब मध्यान्ह भोजन के माध्यम से इन बच्चों को आज जो भोजन मिल रहा है स्कूलों में, वो तब चालू हुआ गली के समय में, और इन बच्चों को जो कापियां किताबें मुफ्त मिल रही है, जो अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रावधान नहीं किया, ये तहसील की 70,000 एकड़ जमीन दोबारे तो कम से कम 70,000 एकड़ में पानी तो पैदो वो भी नहीं करे हो, मनकाने पानी पैदो, ये जल के साथ छल हुआ है। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, पानी चाहिए मेरे मनासा को, पूरे क्षेत्र को, जनता को पीने के लिए भी चाहिए और सिंचाई के लिए किसान को पानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, उन्हें तुरंत के लिए देता हूँ 2600 करोड़ की योजना मंजूर करी हमारे लिए, 1400 करोड़ की पीवा का पानी की माया माया में, हर घर पे नल से कनेक्शन होगा, 6-8 महीने में पानी घर आ जाएगा, घनी देर की बात नहीं कर रहे हो, 48 पैदा में घर पानी इधर लाइन काम चालू है, टंकियां बन रही है, घबराओ की जरूरत नहीं, घर घर पानी आ रहा, रोज पानी आ रहा, मैं खूब आपला होना चाहता हूँ। 8 मार्च से आप सब महिला मातृशक्ति के सब महिलाओं के फॉर्म भराएंगे, घर में चारों को 4 दिन आ रहे तो 8 और हर महिला के खाते में अप्रैल से 1,000 रुपया महीने उनके खाते में आएगा, साल का 12,000 आएगा, 5 साल का 60,000 रुपये उनके खाते में आएगा। सब मम्मी के आगे घबराओं की मजदूरी क्यों करेंगे,